अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। चढ़ोगे क्या सब लोग? हाथ उठा वोट चढ़ोगे क्या? साथियों, नीमच कांड हुआ, नेमावर कांड हुआ, सीधी कांड हुआ, इन सब में पता है क्या चीज एक समान थी? जब सीधी कांड हुआ तब आदिवासियों पर पेशाब करने वाला भाजपा का मंडल अध्यक्ष था, जब नीमच कांड हुआ तो आदिवासियों को गाड़ी से बांधकर रगड़ने वाला बीजेपी का सरपंच था, और जब नेमावर कांड हुआ तो जिस लड़के ने हमारी बहनों को जिंदा गाड़ दिया, 10-10 फुट कांटे में काट दिया, वो आशीष शर्मा का एजेंट था, एजेंट था। चोट पर मैं बोलता हूं, हम लोग यहां आए थे, हम लोग धरने पर बैठे थे, संजय दत्त जी उनके परिवार भटकता रहा, 5 आदिवासियों को जिंदा गाड़ दिया गया, 2 महीने तक एफआईआर नहीं हुई, 2 महीने तक, 1 दिन 2 दिन नहीं, 2 महीने तक एफआईआर नहीं हुई। जब हमने आंदोलन करा, लूट रोड प्लान करा, पुलिस थाने का घेराव करा, तब जाकर एफआईआर हुई। सही बोल रहा हूं कि नहीं? बहुत सही। और ये इंसान लोग नहीं है, ये हैवान लोग हैं। एक तरफ इनका मुख्यमंत्री बोलता है कि माफियाओं को 10 फुट गड्ढे में गाड़ दूंगा, बोलता है कि नहीं बोलता शिवराज सिंह? और आदिवासी बहनों को 10-10 फीट गड्ढे में गाड़ रहे हैं इनके लोग। क्या जांच हुई? आरोपियों को फांसी की सजा हुई क्या? नहीं हुई ना। उसके बाद बिजवा कांड होता है, कितने लोगों को याद है बिजवा कांड के बारे में? हाथ उठाकर बताओ। कन्नौज का बिजवा कांड पूरे मध्य प्रदेश को याद है, जब विधायक के भाई ने उस पर आरोप लगे कि उसने बिजवा को मार डाला, कोल्ड ड्रिंक में जहर डालकर मार डाला, उसने आखिरी में बयान भी दिया कि नहीं दिया? तो क्या विधायक के भाई पर कार्रवाई हुई? नहीं हुई ना। मैं आशीष शर्मा को एक बात बोलना चाहता हूं। आशीष शर्मा, तुम गुंडे हो तो मैं डॉक्टर हूं, इलाज करना अच्छे से जानता हूं, और कांग्रेस इस पर इलाज करेगी। सरकार आने वाली है, आने वाली है कि नहीं आने वाली है? तब ऐसे गुंडों का पूरी तरीके से इलाज भी करा जाएगा और इनको जेल भेजने का भी काम करा जाएगा। तो डरना मत, पूरा मध्य प्रदेश में घुमा हो और मैंने देखा है कि मध्य प्रदेश पर